हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माय चैनल सक्सेस मंच में। आज एक बार फिर पारिभाषिक शब्दावली के एमसीक्यूज का पार्ट टू लेकर आई हूं, जो कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों की तरह है। आज जो भी एमसीक्यूज कराऊंगी उसके अलावा, और जो 8 पार्ट पहले करा चुकी हूँ उसके अलावा, आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पारिभाषिक शब्दावली पूरी फिनिश होती है, ख़त्म करूँगी आज, और इसके बाद नए लेक्चर्स लेकर आऊँगी जो कि विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, प्रतिवेदन और ड्राफ्टिंग, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं, टेबुलर फॉर्मेशन, ये सब करेंगे हम लोग यहाँ पर। निबंध की भी जल्द ही लेक्चर लेकर आऊँगी। तो आज ये फिनिश करती हूँ लेक्चर, इसके बाद आप लोग बस इस जो भी मैंने कराया है इसको रिवाइज करते रहिए बार बार, ताकि आप लोग को ये मेमोराइज हो जाए और आप मेंस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। और एक लेक्चर और भी इसका लेकर आऊँगी, जो कि RO ARO मेंस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं मेन्स में, वो एक बार लेके हम लोग कर लें, क्योंकि उसमें भी होता है कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जो हमारी आयोग है वो क्वेश्चन दो से तीन कभी कभार रिपीट कर देती है, तो इसके लिए हम पुराने क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से कुछ हैं, लेकिन बस आपको ये पता चल जाएगा कि इस ईयर में ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज इसका पार्ट टू करते हैं और ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा हमारा पारिभाषिक शब्दावली। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित शब्दों के समुचित हिंदी पर्याय बताइए। तो हिंदी में आपको बताना है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। वैसे जो एग्ज़ाम है मेंस में उसमें ऑप्शन नहीं आते हैं, आपको अपने मन से करना होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट वे में आपको सोचने की टेक्निक प्रदान करेंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। तो पहले 19 क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में करा चुकी हूँ, आगे के हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें इवेशन। इवेशन ऑप्शन है अपवंचन, करावंचन, वंचन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग सोच के बताइए, इसका होगा अपवंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन है प्रावधान, विधान, संविधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, गारंटी। इसका ऑप्शन है प्रत्याभूति, अनुभूति, सहानुभूति या संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्याभूति। गारंटी मीन्स प्रत्याभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फॉर्मल। ऑप्शन है हमारे पास अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिकता, अनौपचारिकता। तो जो ऑप्शन है वो काफ़ी सिमिलर हैं, आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर है फॉर्मल मीन्स औपचारिक। ट्रस्टी ऑप्शन है, ट्रस्टी को ट्रस्टी ही कहते हैं, या न्याय कहते हैं, न्यासी कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यासी। ट्रस्टी मीन्स न्यासी। जोनल ऑप्शन है मंडल, मंडलीय, स्थानीय या विदेशी। तो जोनल का जो करेक्ट आंसर है वो है मंडलीय। जोनल माने मंडलीय, जोन माने मंडल होता है। रिट, रिट मीन्स होती है याचिका, विशेषाधिकार, वादी या प्रतिवादी, इनमें से क्या होता है रिट। तो रिट का जो करेक्ट आंसर है वो होता है याचिका। रिट पिटीशन डायल की है, मीन्स याचिका डायल की है हमने। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का ऑप्शन है वैध, अवैध, वैधता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वैधता। वैलिडिटी मीन्स वैधता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमेंडेड। तो अमेंडेड मीन्स होता है संशोधन, संशोधित, परिवर्धन या परिवर्धित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संशोधित। अमेंडेड मीन्स संशोधित। एजेंडा मीन्स होता है कार्यवृत्त, सूची, अभिसंधि या दुर्घटना। तो एजेंडा का मतलब होता है कार्यवृत्त मीन्स एजेंडा। कॉन्फिडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया हुआ भी है। विचारणीय, गोपनीय, अनुज्ञप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है गोपनीय। कॉन्फिडेंशियल मीन्स गोपनीय। नेक्स्ट करते हैं काउंटर। ऑप्शन है हमारे पास गणक, पटल, पंजिका या त्वरित। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, पटल। काउंटर मीन्स पटल। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है पंजीकृत, पंजीकार, पंजीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है
रजिस्ट्रेशन इसका करेक्ट आंसर है, पंजीकरण मींस रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 37, बाइलेटरल मींस द्विपक्षीय, द्विविधि, द्विविध सॉरी, प्रतिपक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइलेटरल मींस द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 38, बॉडी, बॉडी मींस चुंगी, सीमा शुल्क, निकाय या शरीर। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग कहेंगे बॉडी मींस निकाय, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो संवैधानिक निकाय कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 39, कमिश्नर, ऑप्शंस है आयोग, आयुक्त, उप सचिव या मंडलाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आयुक्त, कमिश्नर मींस आयुक्त। सीनियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, बड़ा या वरिष्ठ। तो सीनियर ऑफिसर मतलब वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर वरिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन, सिटीजन मींस नागरिक, नगरीय, शहरी या ग्रामीण। तो सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन मींस नागरिक। अपेंडिक्स, अवशिष्ट, परिशिष्ट, अनुसूची या कार्य सूची। तो इसका करेक्ट आंसर है परिशिष्ट, अपेंडिक्स मींस परिशिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंपस, ऑप्शंस है क्षेत्र, आवासीय, परिसर या अनुकूलन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास परिसर, कैंपस मींस परिसर। जस्टिस, न्यायालय, न्यायमूर्ति, न्यायपालिका या मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट ऑलरेडी इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो 44 इसका आंसर हमारे पास है न्यायमूर्ति, जस्टिस मींस न्यायमूर्ति। इशू, नियम, निर्गम, बीमा या बच्चा। इशू इसका आंसर होगा हमारे पास निर्गम, इशू माने निर्गम। 47, डायरेक्शन, निर्देशन, निर्देशक, अनुदेशक या सर्वीक्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्देशन, डायरेक्टर मींस निर्देशन। आगे करते हैं, लाइसेंस। तो लाइसेंस का जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारे पास दिए हैं विज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है अनुज्ञप्ति, लाइसेंस मींस अनुज्ञप्ति। 49, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शंस है न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मींस उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50, मिस यूज, दुरुपयोग, कदाचार, सदाचार या दुराभिसंधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुरुपयोग, मिसयूज मींस दुरुपयोग। तो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं एमसीक्यूज पारिभाषिक शब्दावली के। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज मैंने कवर कर दिए हैं, पहले पार्ट 8 लेकर आई थी, 1 से लेकर 8 तक, उसमें सारे हमने वो जो ट्रांसलेशन थी वो देखी थी, और ये जो दो पार्ट आए हैं उसमें हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए हैं। तो ये बहुत अच्छी मात्रा में हमने ये सब कर लिए। इसके अलावा ऑलमोस्ट कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं में से आप इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम GS1 और GS4 की लेकर आएंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल पे ये सी बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।